पर्टिकुलर फैक्ट में से मैंने सुना है हिंद कॉपर को लॉन्ग टर्म के लिहाज से ये पर्टिकुलर स्टॉक हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया है एज अ दिवाली पिक। तो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, लगभग अगर हम इसका 2014 से एक मंथली चार्ट देखे तो लगभग 125-130 एक बैरियर था स्टॉक के लिए, उसके ऊपर उसमें मंथली क्लोजिंग एस्टेब्लिश नहीं हो रही थी। एंड जिस तरीके से फेब्रुआरी के महीने में एक ब्रेकआउट हुआ था, लगभग उसने एक क्लासिकल राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का कंफर्मेशन दिया था। उस पर्टिकुलर पुल ब्रेकआउट के बाद एक शानदार तेजी हुई थी और एक अच्छा वापस पुल बैक आ चुका है काउंटर में। अगर हम मंथली क्लोजिंग देखें तो अक्टूबर के सेशन में ही जिस तरीके से क्लोजिंग हुई है, वहां पर एक मंथली चार्ट पे एनगल्फिंग बुलिश फॉर्मेशन वापस रही एस्टैब्लिश हुआ है। सो सपोर्ट के आसपास वापस ये पर्टिकुलर ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न फॉर्म होना एक काफी बेहतरीन संकेत होते हैं लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे। तो मुझे लगता है यहाँ पर एक काफी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है वापस स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 90 के आसपास का। एंड मुझे लग रहा है जिस तरीके से इसका मंथली स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है लगभग 230 के आसपास के स्विंग बन सकते हैं अगले कुछ महीनों में। लगभग एक साल तक अपने आपको ये पर्टिकुलर स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करना चाहिए। इसका जो 200 मंथली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तो यहाँ पर प्लेस्ड है अराउंड 230 के आसपास, जो कोइंसाइड हो रहा है इस पर्टिकुलर पैटर्न टारगेट के साथ। खरीदारी करनी है हिंद कॉपर में।